अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग जी सबको। सुबह हो गई है, लेकिन आपके भाई की सुबह अब हुई है। 4 बज गए हैं, अब मैं ये नाश्ता करने लगा हूँ। आज मैं उठाऊँ तो मेरे गेस्ट आ गए थे, दोस्त आ गए थे एक दो, तो उनके साथ काफ़ी फिर टाइम लग गया मेरा, तो अभी तक आपके भाई ने नाश्ता नहीं किया। हालांकि वो बोलते रहे कि हमारे साथ कुछ खाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं पहले नाश्ता करता हूँ अपनी रूटीन में, फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि ऐसा वैसा फिर खाया नहीं जाता सुबह सुबह उठ के मेरे से। और आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया जो मेरी मूवी वीडियो वॉच करते हैं, बड़ा अच्छा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी हो रहा है, और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली हर अच्छी अच्छी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में रिसीव होती रहे। चलें जी, नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद निकलती है, मैंने दोस्त की तरफ जाना है, उसे एक चीज़ डिलीवर करनी है, वो भी आपको दिखाता हूँ क्या डिलीवर करेंगे आज हम। अलहमदिल्ला जी, नाश्ता आ गया, अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर निकलते हैं, हमने जो चीज़ डिलीवर करनी है वो भी डिलीवर करेंगे। ये जी मेरी मिसिस नाश्ता ले आई है जी, है आज मेरे नाश्ते के साथ ही कोल्ड ड्रिंक का, चाय भी नहीं है, लस्सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज कोल्ड ड्रिंक आई है नाश्ते के साथ। तो अब आपका भाई नाश्ता करेगा, नाश्ता करने के बाद फिर निकलेगा आगे की तरफ। मज़ा आया, हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने दोस्त को एक चीज़ डिलीवर करने जाना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ हमने क्या डिलीवर करनी थी। ये चीज़ है जो मैंने डिलीवर करनी थी, तो अब वो डिलीवर करने के लिए निकला हूँ। अब गाड़ी निकाल ली है, अब उसकी तरफ जाता हूँ, डिलीवर करता हूँ उसे, देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसे वापस निकलूँ। और मुझे लग रहा है कि मुझे इंस्टॉल करके देनी पड़ेगी, उन्हें लगा के भी देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें शायद लगानी ना आए। तो अभी निकलते हैं उसकी तरफ, तो उनकी तरफ जाके इंस्टॉल वगैरह करते हैं, ओके करके फिर दिखाते हैं आपको। चलें उनके घर मिलते हैं जी, निकलते हैं। पीछे रखने की कोशिश की है, लेकिन गाड़ी में पीछे आई नहीं एलईडी की, एलईडी बड़ी थी तो फिर मैंने सीट पे ही रख दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सीट पे रखी गई, एलईडी हमारी बिल्कुल ठीक तरीके से आ गई, इधर डोर भी बंद हो गया। तो अब निकलते हैं आगे, एलईडी आ गई जी उनके घर, ओपन कर ली है ये, मैंने अभी ओपन करके रखी है, इधर लगानी है। जब इस दीवार पर लगाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ लगा के। ये जी एलईडी इंस्टॉल कर दी, इधर इस लोकेशन पर लगा दी है, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि हमने ओपन कर लिए, तो इस लोकेशन पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगी है। चलिए इधर से निकलते हैं जी, अल्लाह खैर करे, आगे निकल के अगली प्लानिंग बताता हूँ आपको आज। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी एलईडी लगा दी है, एलईडी फाइनली ओके हो गई है, भाई को दे दी है। तो एलईडी लगा के भाई के साथ गपशप लगी है, उधर मैं मूवी नहीं मैंने बनाई, थोड़ा सा कोई फैमिली थी उनकी, तो गपशप लगा के सारा कुछ ओके करके अब निकल आए। अब इधर से बाहर आए हूँ, इधर से अली हसन को मिलता हूँ, अली हसन भाई रहा है, अली हसन के थोड़ी गप लगाते हैं, जब जब लगा के फिर अली हसन से तो फिर आगे निकलते हैं, एक दौर काम है। तो आगे एक और भी बड़ी मज़े की चीज़ है, वो भी मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करनी है, और आपसे मैंने मशवरा भी लेना है, वो आपने मशवरा भी देना है। नाम अली हसन साहब आ गए हैं जी, वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, वो खड़े हुए हैं, ये जनाब अली आ गया। हाँ जी भाई जान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। इधर घूम रहे हैं भाई? मैं यार वो गया था पीछे, दोस्त है उसे एलईडी एक देनी थी। अच्छा अच्छा, वो दी है। चलें जी मैं इधर अली को मिल लूं, फिर आपसे गपशप लगाते हैं। शॉप पे आया था, शॉप पे आते ही भूख लगी मुझे बहुत ज़्यादा, मैंने लड़के को फिर बोला, मैंने कहा भाईजान सब्जी खिलाओ, सब्जी लेके आओ, तो फिर सब्जी आ गई, जब मैं सब्जी खा लूँ, सब्जी खा के फिर आगे मिलते हैं आपके साथ, एक दफ़ा मैं सब्जी खा लूँ। शेल पंप पे आया था जी, शॉप से निकला हूँ तो शेल पे आया था, मैंने कहा पेट्रोल ले लें, गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, गाड़ी में पेट्रोल ले लो आया। अब घर की तरफ तैयारी है, घर को निकलती हैं, तो अब मेरे खिला के हम कुछ भी नहीं जाएंगे कहीं, देखें क्या करते हैं। घर जा रहा था जी, घर से फ़ोन आ गया, कुछ बेकरी का सामान लेना था, मैंने कहा मैं वो ले लूँ, केक सैंडविच पे आए हुए, इधर से बेकरी की चीज़ें ली हैं, अब चीज़ें लेके अब निकल रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कहा साथ ये भी व्यू दे दें, कुछ मेडिसिन लेनी थी, मेडिसिन ली है, तो अभी घर की तरफ तैयारी है जी, घर की तरफ निकलते हैं, इंशाल्लाह घर पहुंच के फिर मिलते हैं। हाँ जी अभी घर पहुंचे हम, घर आते सारी मुझे पता चला कि आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अम्मी को फीवर हुआ हुआ था, मुझे नहीं पता, इन्होंने कॉल नहीं की, मुझे बताया नहीं है। तो अभी अम्मी के रूम में चलते हैं, अम्मी की सेहत भी पूछते हैं, हाल पूछते हैं अम्मी की सेहत कैसी है। हाँ जी अब अम्मी के रूम में चलते हैं, जाके अम्मी की सबसे पहले सेहत पूछते हैं, फिर आगे कोई ब्लॉग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अम्मी जी की हाल है, ठीक हो? हाँ जी मैं आया था, मैं पता चलिया हूँ, दसिया ने कि कहने ने कि बुखार हो गया सी।
बुखार हो गया रात का ना बड़ी सी दर्द है, मौसम चेंज हो रहा है ते ओदे नाल पता ही बुखार चढ़ जांदा हर बारी। हुण भी इंजी सी बड़ी सीरी दर्द है, अगे ब्लड प्रेशर चेक कराया वे भी थोड़ा वधिया है। चले जी अल्लाह पाक खैर करे जी, सब अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, फिर अच्छे अच्छे हम व्लॉग बनाए, इस वजह से आज भी व्लॉग नहीं बना, कल भी बस थोड़ा सा स्किप हो गया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इंशाल्लाह आगे अच्छे अच्छे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन प्रेस करते रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल, और सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, अम्मी की सेहत ठीक हो, अम्मी का बुखार ठीक हो जाए, फीवर ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए भी लोग के साथ। हमें दें इजाज़त, ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।